वो अप्पू की दीदी की ड्रेस अच्छी है? जेबू रिजेक्ट कर रहा, अच्छी है कि गंदी बताओ जेबू, छू के देख रहा हूँ। अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, लेकिन अपन ऐसी स्टिच भी कराएंगे। और पता है गला देखो इनका क्लोज्ड है, अपन लोग ना यू में बनवाएंगे भाभी, अपन साथ में कपड़ा लेके आएंगे, एक से बनवाएंगे सेम टू सेम, ठीक है? क्योंकि बन जाएगी पता, और बहुत अच्छी बनेगी, और इससे भी अच्छी, क्योंकि देखो ऐसे हमारा वो है पिंक वाला टॉप, वो सिलवाया अच्छी है, ये भी अच्छी, ये भी पहन लेना, लेकिन अपन और अच्छी शेड में बनवा लेंगे, अस्तीनी पे भी अच्छा वर्क बनवा सकते हैं, अपन नेट पे देख के बनवाएंगे, ठीक है? सो फ्रेंड्स, अभी ना हो गया था सर का टाइम एंड मैं गई थी अपनी नमाज पढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैंने सर की नमाज पढ़ ली थी एंड उसके बाद लग गई थी ना अपने कामों में, तो सबसे पहले मैंने लस्सी बनाई, और टाइम ना फ्रेंड चला गया थोड़ा वर्क पे, तो आज वो नहीं है मेरे साथ रोज़ा खोलने के लिए, तो थोड़ा अजीब लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है ना, काम भी ज़रूरी है। तो अफ्तारी भी मैंने रेडी कर ली है, लस्सी बना ली, फ्रूट्स कट कर लिए, जैवी को सुला भी दिया, एंड मैं खुद भी थोड़ा हस्बैंड बना लिए, फेस वॉश कर लिया, थोड़ा खुद भी फ्रेश अप फील हुई। तो मैंने आपको अफ्तारी दिखा दी, ये है ना आज की अफ्तारी। डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मेरा बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने एक एक चीज़ मुझे डिटेल में समझाई, एंड उन्होंने मुझे बताया ना कि रात को सोने के टाइम जो बच्चे रात भर फीड लेते हैं तो उन्हें ये बहुत कॉमन रहता है, क्योंकि ना रात को मैं सांस नहीं कर पाती हूँ, ना दूध पीते पीते सो जाता है, एंड नींद डिस्टर्ब ना हो बच्चे की, इसलिए हम पेरेंट्स करते भी नहीं हैं क्लीन, लेकिन अब मुझे उन्होंने समझाया कि मुझे क्लीन करना है, एंड उसके साथ साथ उन्होंने मुझे टूथपेस्ट दिया है। खैर जो टूथपेस्ट में से कर रही थी उन्होंने देखा, उन्होंने बोला वो भी अच्छा है, लेकिन एक ये वाला दिया है तो अगर बेबी करता है, एंड उसके साथ साथ ना एक मुझे क्रीम दी है एंटी डिके टूथ क्रीम, तो ये ना उन्होंने बोला है कि आप एटलीस्ट एक महीने लगाओ एंड फिर वो देखेंगे, अगर 3 मंथ्स तक ठीक नहीं होता या फैल रहा है तो वो फिलिंग करेंगे। अभी उन्होंने फिलिंग करने से मना करा क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी बिल्कुल टॉप लेयर पे है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं एंड वो फीड लेते हैं रात को, तो मुझे नहीं पता थी ये चीज़, तो अगर आप लोग को भी नहीं पता है तो अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ रात को ना बच्चे जब सो जाएं तो उनका माउथ क्लीन करें, ब्रश 2 टाइम्स कराएं, क्योंकि एटलीस्ट 8-10 साल तो ये दांत चलाने हैं ना, बाद में जब वो टूटेंगे तो न्यू आएंगे ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी ना कोई छोटा बच्चा है या बड़े भी बच्चे हैं, ये ना 3 से 4 साल के बच्चों को होता है, तो उसके बाद भी हो सकता है, इसलिए ना बच्चों का टीथ का ध्यान दें। एंड मेरा तो यही कहना है शायद 1 साल के अंदर ना एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कर लें, मैंने नहीं करा क्योंकि कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं ज़रूरी, एंड मैं ब्रश करा रही थी, लेकिन ये ना मैं दिन में ब्रश करा रही थी, एंड ये जो कीड़ा लगता है या दांत ख़राब होते हैं ये सिर्फ रात का जो खाना मुँह में रह जाता है ना उसकी वजह से होते हैं, तो जितना ज़रूरी मॉर्निंग में ब्रश करना नहीं है फ्रेंड, उससे ज़्यादा ज़रूरी रात को है। तो अब ना मुझे थोड़ा सा और ध्यान देना है, रोज़ उसको ना जेल लगाना है, उसके बाद 5-7 मिनट्स बाद वो क्लीन करना है, तो इंशाल्लाह उसे आराम मिलेगा, मैं अपना 100% दूंगी कि ना बिल्कुल वो ठीक हो जाए। एंड डॉक्टर ने बोला ना अभी एकदम आउटर लेयर पे है, इसलिए कोई वरी वाली बात नहीं है, अभी कंट्रोल हो जाएगा। उन्होंने बोला कि एकदम राइट टाइम पे मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया, उसको ले गई, लेकिन आई थिंक सो पहले और ध्यान रखती तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ठीक है, मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था, लेकिन ठीक है ना, कौन कौन सी नई नई ऐसी चीज़ें आ रही है ना कि ठीक है बस, लेकिन आइंदा अगर आप लोगों को शायद इससे कुछ सीख मिली, क्योंकि हर गलती ना हम खुद से ही नहीं कर सकते हैं, दूसरों की गलती से भी कुछ सीख लेना चाहिए, तो आप मेरी इस गलती से कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल्सो अ कैविटी जो ना सिर्फ फ्रंट टीथ्स पे होता है।
आप लोग खुद भी ना दो बार तो ब्रश जरूर करिए, क्योंकि एक में अगर कुछ होता है ना तो आपके पूरे दांत में वो चीज़ फैल जाती है, डॉक्टर समझा रहे थे। लेकिन वो जेनेटिकल होती है, जो फेविको है वो ऐसी नहीं है, सभी एक ही दो में रहती है, लेकिन फैले ना, उसके लिए भी मैंने उनसे अच्छे से पूछ लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये वो वाली नहीं है। लेकिन फिर भी ना, अब मैंने खुद भी, मैं तो खुद 2 टाइम से ब्रश करती हूँ, एंड शुरू से मुझे तो कोई कैविटी रही नहीं, इसलिए मैं इतना कोई सीरियस नहीं थी इस मैटर में। लेकिन अब बहुत हो गई हूँ क्योंकि रवि को हो गया है ना, लेकिन अब वो ठीक हो जाएगा, हम उसे टाइम पे कंट्रोल कर लेंगे। तो एंड आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। अल्फी भी आ गई है। चलो आज तुम तो आई रोजा खोलने में अकेले बैठे थे, कोई भी नहीं है, रवि भी सो गया। सो फ्रेंड्स, अभी ना रोजा खुल गया था, नमाज भी पढ़ ली है एंड खा भी लिया है, थोड़ा बहुत ही हिलता है फ्रेंड्स, सबको ही पता है रोजा खोल के ना कुछ भी नहीं खाने का मन होता है। तो अभी ना फिर मम्मी कहीं गई उनकी, वो आ गई हैं, तो अब मैं जा रही हूँ। रवि नीचे खेल रहा है, वो उठ गया तो उसको दूध भी पिला दिया, डायपर चेंज कर दिया, खेलने वो भेज दिया है। एंड मुझे ना जाना है कल ना, मैं सोच रही हूँ ना, जितने भी मेरे नेबरिंग एरिया है, मेरे जितने भी नेबर्स हैं उनमें कल मैं अफ्तारी बटवाऊँ। तो अफ्तारी के लिए ना थोड़ा सा सामान लेना है, तो वो ले लेते हैं, क्योंकि कल फिर एकदम बनाना भी रहता है, जान से पहले डिस्ट्रीब्यूट भी करना रहता है। तो अभी ना चलते हैं, उसका थोड़ा बहुत सामान है वो ले आते हैं, एंड बाकी देखते हैं और क्या करते हैं। चलिए रघु, खेल लो बेबी। अल्फी ये कुछ मांगे तो अंदर से उठवा लेना है मम्मी से। बेटा पानी की बोतल ले दिया, देख के जा रहे। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं आ गई थी थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। ठीक है, बास्केट लेना। कस्टर्ड पाउडर भी ली, जेली देखना, जेली कहाँ लगी है, बनाने वाली जेली। समझ नहीं आता है, रख लो। चलो चलो, बाकी मैं सामान ले रही हूँ, चलो। तो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग आए थे गन्ने का जूस पीने के लिए, बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही थी, और फिर आ गए थे ना फ्रेंड्स एवी का सेरेलेक लेने के लिए, तो हमने वो भी ले लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं आ गई थी क्वालिटी, मुझे ना यहाँ से ब्रेड लेना थी, वो भी ले लिया, एंड उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं थी फ्रूट्स की शॉप पे, यहाँ से ना मुझे कस्टर्ड के लिए अच्छे अच्छे से फ्रूट्स लेना थे, तो वो भी ले लेते हैं। उसके बाद ना फ्रेंड्स मुझे जाना था ना थोड़ा पैकिंग का सामान लेने के लिए, एंड जी देखिए कितना सुंदर लग रहा था ना फ्रेंड्स, ये लाइट्स कितना अट्रैक्ट करती है ना, कितना सुंदर लगने लगा इनकी वजह से यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हमें पैकिंग की भी शॉप खुली मिल गई, खैर उम्मीद नहीं थी लेकिन मिल गई। तो जल्दी से अपनी पैकिंग लेते हैं, फिर हम घर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जाते जाते याद आया कि यहाँ से भी थोड़ा सामान लेना था, तो मैं आ गई थी दीपक डेयरी, मेरे घर के पास ही में। सो फ्रेंड्स, घर तो मैं आ गई हूँ, सारा सामान अभी सेट करने में ना हालत टाइट होने वाली है, अभी आधा ना यहीं रख दिया है, अभी ना ओ शिट ना दही देना भूल गई हूँ, बाकी तो भेज दिया। तो चलो अभी ये देखे आते हैं नीचे ब्रश, अब तो बेबी ब्रश कर रहा है मेरा और अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसको ना मैं ब्रश करा रही थी तभी देखी, इतने आराम से कर लेता है, लेकिन बेचारा फिर भी ना शुरू की चपेट में आ गया। आ जा बाबा, वेरी गुड, सो गुड बेबी, सो
ऐशी ऐशी वेरी नाइस थोला शो थोला शो ओए मम्मा को मार दी चीटा इसको ना फ्रेंड्स जो भी कुछ है ना वो फर्स्ट थ्री टीथ में है दैट्स इट ना उनको जोर जोर से लेकिन मैं आराम आराम से कर रही हूँ क्योंकि ना इसको ना दर्द तो होता ही होगा अभी ब्रश करने के बाद हम इसमें दवाई लगाएंगे होगा हाँ नाउ शैल वी गो फॉर गगन उम्मीद करती हूँ ना कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड मैं बिल्कुल सो फ्रेंड्स आज हो चुका है नेक्स्ट डे एंड अभी ना मैं उठ गई थी एंड रवि भी यहाँ लेट के देखिए मस्ती कर रहा है तो अभी ना मुझे जाना है बनाने के लिए अफ्तारी जो कि आज मुझे बांटनी है तो अभी जाएंगे एंड अब मुझे पता नहीं आना थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है लेकिन मैंने सोच लिया था आधा काम कर भी लिया था कल लाके सब कुछ तो अभी ना हम वो सब करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं मैं कितना बना पाती हूँ सोची तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन अब देखते हैं मुझसे आज कितना बनता है ये देखिए सो फ्रेंड्स यहाँ ना मेरा कस्टर्ड भी डिसॉल्व हो गया दूध गर्म हो गया है एंड यहाँ फ्राइड अनियन हो गई है एंड अभी ना मैंने कस्टर्ड भी डाल दिया मिल्क में शुगर ऐड कर दिया बस इसको ना थोड़ी सी देर हम पकने देते हैं एंड फिर ये ना बहुत रिच हो जाएगा और टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स आज ना मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई किचन में क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग फिर बनाना आज मैं अकेली ही थी इन चीज़ों के लिए तो मैंने सोचा ना पहले कॉन्सेंट्रेट ना आज ये बिरयानी बनाने पर करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर मैं एक दो चीज़ें भी बना लूँ ना तो आई वॉन्ट कि ये बहुत टेस्टी बने परफेक्ट बने जैसे मैं बना लेती हूँ तो यहाँ पर ना फ्रेंड बस कलर डाल रहे हैं हम ऊपर से एंड इसके बाद ना बस फ्राइड अनियंस डाल देंगे एंड बिरयानी भी हमारी डन है मैंने और चीज़ें भी सोची थी लेकिन टाइम भी नहीं था बीच बीच में इतने काम एंड जेवी भी आज ना थोड़ा मूड उसका ठीक नहीं था तो बीच बीच में बड़ा परेशान करता रहा बस ना जैसे जैसे मैंने दो चीज़ें बना ली साथ ही साथ ना मैं सोच रही हूँ बस मेरे पास चिप्स रखी हुई हैं आलू की उनको मैं फ्राई कर लूँगी एंड बस खजूर तो बस इन्हीं चीज़ों को ना आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंशाल्लाह आगे ना अभी एक दो दिन में शायद अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो हम और कुछ अच्छा बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ ना मैंने फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं और तो फिंगर में बर्डर लग रही है मुझे यहाँ कस्टर्ड भी ठंडा हो रहा है अभी तो बहुत गर्म है फ्रेंड्स तो अभी हम चलो कट हो गए उनको डाल देते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ ना कस्टर्ड भी रेडी हो गया बहुत ही डिलीशियस सा लग रहा है ना एंड अभी ना बस इसको जाके फ्रिज में अच्छे से चिल्ड कर देते हैं सो फ्रेंड्स अभी ना डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हो गया था अभी ना मैं चाह रही थी ना कि मैं जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ ताकि मेरा भी रोज़ा है ना मैं भी रोज़ा खोल पाऊँ आराम से तो यहाँ ना मैं ही प्लेट्स लगा रही हूँ क्योंकि आज पता नहीं जब भी ना फ्रेंड्स कोई काम हो तो बच्चों को क्या हो जाता है ना उसी दिन ही सारा रोना धोना सब परेशान करना सब उन्हें याद आ जाता है तो आज ना जैवी बस बिल्कुल वही कर रहा है सुबह से एंड फ्रेंड्स अभी ना तो फिर मैंने सेक मम्मी को बोला कि आप जाइए उसी को देखिए मैं पूरा ना सब कुछ काम कर लूँगी तभी ना मैंने कहा मैं इसको अब हैंडल नहीं कर सकती हूँ तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी लगा कर ना डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ अल्फी जाके ना सब में डिस्ट्रीब्यूट करिए बाकी असरा भी आ गई थी मेरे घर के पास रहती है वो भी हमारी हेल्प करने के लिए तो अभी ना बस जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है एंड मैं यहाँ प्लेटिंग करती सो फ्रेंड्स अभी ऊपर आके रोज़ा खोला एंड पूरे में देखिए ब्लड अख्तार को हिट हो गया उसका साइनस अब ये होएगा कैसे ठीक अख्तार हाँ मेरे हिसाब से तुम ये लगा लो पता तो उसमें लिखा है गूगल में कि 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए नाक बंद करो वरना खून बहते ही रहेगा
तुम्हारी तबीयत ठीक है? खून रुक गया? अब तो नहीं आया फिर दोबारा? लेकिन फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। टच करो अब क्या रख, अब तो जलने लगा सर। तू ये देखो उसे पापा खिला दो, फोन में कम डील देखो। सो फ्रेंड्स अभी ना मुझे हो रहा है 103 degree फीवर, इतना ज़्यादा बुखार, मैं खुद में इतना हॉट फील कर रही हूँ, मुझे बजाने ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हुआ, रोज़ा खोला बस फिर मुझ में कोई एनर्जी नहीं रही है, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। उसके बाद अख्तियार की ब्लीडिंग शुरू हो गई नोज़ की, वो देखने के बाद और मुझे टेंशन हो गई। खैर अल्लाह के शुक्र से ना उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थोड़ी देर में, एंड मैं उसको पिंचिंग बताती रही गूगल पे देख देख के कि 5 मिनट का गैप, फिर 5 मिनट का गैप, उसको साइनस है उस वजह से ऐसा होता है। फिर ठीक रहा, मैं फिर सो गई थोड़ी देर को। फिर अभी उठी, रेवी को मैंने याद दिया, उसको नहाना था, उसको मालिश कर दी, रेडी कर दी। उसके बाद अब भी जब मैं डीटी, मुझसे कुछ नहीं बन रहा था तेरा, मैंने उसको कहा मेरा टेम्परेचर लो, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर फील हो रहा है। अभी मेरे पास दवाई भी नहीं है, दवाई होती भी तो मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ दवाई ही लेना। मैं अभी बस सूर्य फातिहा पढ़ लूँगी 7 times एंड आई नो आई विल फील बेटर विद इट। जेवी ने यहाँ बैठा हुआ है, जेवी बेबी, जेवी तो बिल्कुल तंग नहीं कर रहा है। फिर मैंने चार को बोला ना कि नीचे से ना खाना गर्म कर लो, हमने ना डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए थे, तो मैंने वो खाना लाता है। और अब तो मुझे ना एडिटिंग करनी थी पुराने व्लॉग की, लेकिन बन ही नहीं रहा था कैसे करना, तो देखते हैं अगर थोड़ा बेटर फील होता है तो करेंगे वरना सो जाएंगे। पिज़्ज़ा आ गया ना तो उसका आना कंपल्सरी है। हाँ हाँ मिल ला, मिल ला अभी मिल ला, मिल रहा है बोलो। हाँ 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 मिल रहा। हाँ सबसे पहले तेरा आयशा, आयशा तेरा सबसे पहले तेरा इसका लगेगा। उसको देख दो क्यों से अभी इतना पसंद है इस बच्चे को पिज्जा। हाँ अच्छा भी खाओ थोड़ा। हाँ